नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए किसान नीति के विरोध में संपूर्ण देश के किसान आक्रोशित हैं, तो वहीं रायबरेली जनपद में भी किसानों के धरने थमने का नाम नहीं ले रहे। वहीं आज मजदूर यूनियन किसान समिति के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव व ब्लॉक अध्यक्ष अपने दल बल के साथ लालगंज से रायबरेली कलेक्टर ऑफिस अपनी मांगों को पूर्ण करने के लिए ज्ञापन पत्र देने जा रहे थे, तभी लालगंज उप जिलाधिकारी व लालगंज क्षेत्र अधिकारी पुलिस प्रशासन के साथ पहुंचे और किसान यूनियन संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को रोक लिया। ब्लॉक सरेनी गांव नीवी, हम इस संगठन के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी हैं और पूरे देश का किसान आज आंदोलित है, किसान आक्रोश में है, क्योंकि सरकार ने बिना मांगे किसानों को जबरदस्ती 3 बिल दे रही है। किसान ये बिल देना चाहिए नहीं चाहते हैं। इन बिलों में किसान की बर्बादी छिपी है और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते तब तक संघर्ष विराम नहीं होगा। धन्यवाद। बता दी सरकार से क्या मांग है आपकी? गंगा प्रसाद त्रिवेदी, रजोल दद्दू भाई, मजदूर किसान सेवा समिति, किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष। सरकार से हमारी मांग है जो 3 सूत्री कार्यक्रम, 3 काले कानून किसानों के हित में लगाया है, ये सरकार वापस करे, अपनी एमएसपी भी वापस करे या उसमें सुधार कर दे। इस काले कानून को वापस करने के लिए हम कलेक्टर के पास ज्ञापन देने जा रहे थे, रेल कोच के पास, एसडीएम और पुलिस प्रशासन बल हम लोगों को रोक दिया कि आप रायबरेली कलेक्टर को ज्ञापन नहीं दे सकते, आप हमको ज्ञापन दें। जब उन्होंने रोक दिया तो हम लोग यहीं पर धरने पर बैठ गए हैं सड़क के पास। अब हमारा ज्ञापन कलेक्टर ले तब हम यहाँ से जाएंगे। जब तक कलेक्टर नहीं ज्ञापन लेने आ रहा है तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे, यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। कहते हैं आपको? मैं सुरेश चंद तिवारी, ग्राम पोस्ट बिठोली, जिला रायबरेली का निवासी हूँ और मजदूर किसान यूनियन का प्रदेश का संगठन मंत्री होने के नाते उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की। आवारा पशु देखिए किसानों की फसल को कैसे चाट रहे हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं। मैंने एसडीएम महोदय लालगंज से कई बार रिक्वेस्ट किया कि आप देखिए ये कोहरा ग्राम सभा में जो गौशाला बना है, ये गौशाला नहीं है मान्यवर छायाकार बंधु, ये मौतशाला है। आप देखिए वहाँ पर आए दिन 8-10 पशु मर रहे हैं, न वहाँ पर पानी की व्यवस्था है, न वहाँ पर चारे की व्यवस्था है और वो गौशाला हो ही नहीं सकता। जिस समय हम 10 दिसंबर को यहाँ पर आमरण अनशन दुबलापुर कोठी में बैठे और 18 दिसंबर को छोड़े गए, तो यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे यहाँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष जब पेश हुए तो मैंने मांग किया था कि हमारे रायबरेली जनपद में गौशाला दिए जाएं, तो 18 गौशाला दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोदय जी ने और उसका देखिए परिणाम क्या हुआ। और पंप कैनाल का न, पंप कैनाल में जो व्यवस्थाएँ हैं वो आज भी आधी अधूरी हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए द नेटिजन न्यूज के साथ। नमस्कार।